हेलो स्टूडेंट्स, ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड इवनिंग, क्या हाल हैं आप लोगों के? जी बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? अगर हाँ तो हम आगे बढ़ें। कुमार सुनील, गुड इवनिंग। राहुल श्रीवास्तव, गुड इवनिंग। बिल्कुल ठीक है, दैट इज डन। क्लियर है सर? मस्त है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जानते हैं ना क्या, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बिल्कुल पेशेंस रखेंगे, बहुत अच्छा चैप्टर है, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आता है, हर जगह काम आता है ये। ओके, मींस ईच एंड एवरीथिंग डन 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 डन। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को, और उस टॉपिक का नाम है, दिस इज योर चैप्टर नंबर 8। ओके, दिस इज योर चैप्टर नंबर 8, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्या है ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म? 5 मिनट देंगे, पहले तो हम आपके साथ इसकी बैकग्राउंड की बात करेंगे। जी, अगर याद हो थोड़ा बहुत, तो मैंने बेसिक में इसके बारे में हिंट दिया था व्हेन आई वाज जस्ट टेकिंग द क्लास ऑफ योर इंट्रोडक्शन और सेक्शन 9394। एट द टाइम आई हैव डिस्कस्ड अबाउट आरसीएम। RCM शॉर्टकट में इसको हम लोग कहते हैं RCM, और फुल फॉर्म इसका होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अच्छा, ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, अभी तक हम लोगों ने सर जो हम लोगों ने GST के बारे में पढ़ा था ना, अभी तक जितनी भी चीजें स्टडी की हैं वो नॉर्मली हम लोगों ने फॉरवर्ड चार्ज सिस्टम के बारे में पढ़ा है। किसके बारे में पढ़ा है? फॉरवर्ड चार्ज सिस्टम के बारे में जाना है, लेकिन अब हम लोग जानेंगे रिवर्स चार्ज के बारे में। फॉरवर्ड क्या होता था? फॉरवर्ड चार्ज में होता क्या था? ये मिस्टर ए है, बहुत लंबा ए हो गया, ये मिस्टर ए है और ये सप्लायर है। ये क्या है? सप्लायर है। और अगर मिस्टर ए सप्लायर है, ये सप्लाई करता है मिस्टर बी को, और ये है रेसिपिएंट। इसने क्या किया, 100 रुपीज का एक सामान था जिस पर 10 रुपए उसने GST चार्ज कर लिया। ये टैक्सेबल वैल्यू था और ये GST, ये इनवॉइस वैल्यू आ गया। ठीक है सर, इनवॉइस वैल्यू आया 110। अब आप एक बात बताएं, अगर मिस्टर ए अपना कोई सामान, गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करता है मिस्टर बी को, जिसकी टैक्सेबल वैल्यू 100 थी और उस पर GST उसको चार्ज करना था 10, इट मींस ये जब भी अपना गुड्स या सर्विसेज यहां सप्लाई करेगा, यहां से इसके पास 110 रुपीज आएंगे, और इस 110 में मिस्टर ए 100 रुपीज अपने पास रिटेन रखेगा, क्योंकि उसको उतना ही अमाउंट रिटेन रखना था जितना उसका कॉस्ट था प्लस प्रॉफिट का फैक्टर था। जीएसटी जो उसने कलेक्ट किया, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट टू पे टू गवर्नमेंट, या डायरेक्ट पे टू गवर्नमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर ए गुड्स सप्लाई करता है, सामने वाले से जीएसटी ले लेता है और गवर्नमेंट को दे देता है। इट मींस कि मिस्टर ए इज लाइक, और मिस्टर ए इज प्लेइंग अ रोल ऑफ मॉडरेटर, और यू कैन से ही इज लाइक अ मीडिएटर। वो गवर्नमेंट के एजेंट की तरह काम कर रहा है। ही इज जस्ट कलेक्टिंग द टैक्स फ्रॉम द रेसिपिएंट एंड मेकिंग द पेमेंट ऑफ द सेम टू द गवर्नमेंट, दैट्स इट। He cannot hold, he cannot retain, or he cannot use the same amount of GST in its business.
उसको एक स्पेसिफिक डेट में उसको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। और इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी मिस्टर ए की होती है, सप्लायर की होती है, चाहे सप्लायर ऑफ गुड्स का हो चाहे वो सप्लायर ऑफ सर्विसेज का हो। एक बच्चे ने कहा सर पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल कर देंगे, क्योंकि अभी मेरा पूरा पीडीएफ मतलब तैयार नहीं हुआ है, तैयार इन द सेंस कि कुछ एक दो पॉइंट अभी उसमें एडजस्ट करने बाकी हैं, इसलिए मैंने शेयर नहीं किया है। होप सो आज रात को मैं व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर कर दूंगा, चिंता ना करें, थोड़ा बहुत बच गया है उसमें काम। अच्छा आते हैं, तो इसमें ₹10 आपका गवर्नमेंट को पे करेगा मिस्टर ए। दिस इज नोन एज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। और अभी तक हम लोगों ने जितनी भी बात की थी, अभी तक हम लोगों ने जितनी भी टैक्सेशन जीएसटी में बात की, वो सारी की सारी फॉरवर्ड सिस्टम को लेकर के बात की, कहीं पर भी आरसीएम की बात नहीं की। आरसीएम में क्या होता है अल्टीमेटली, अगर देखो ना, मैं कहता हूं अल्टीमेटली देखो ना, तो हु इज द बियरर ऑफ टैक्स, दैट इज रेसिपिएंट, रेसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, मिस्टर बी इज द बियरर ऑफ द टैक्स। Mr. B is the consumer of the goods or services. He'll bear the amount of taxes. Ultimately, इसकी जेब से वो पैसा निकल रहा है 110, जिसमें से 100 A अपने पास रख रहा है अपना, और 10 रुपीज गवर्नमेंट को दे रहा है। दे कौन रहा है? B दे रहा है। A को नहीं दे रहा, B A को गवर्नमेंट के लिए दे रहा है। तो गवर्नमेंट कहती है एक काम करो, बहुत हो गई टेंशन। कई जगहों पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता प्रैक्टिकली, जहां पर गवर्नमेंट इससे टैक्स वसूल करे। मेरी बात समझे, गवर्नमेंट के लिए ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं हो पाता, या गवर्नमेंट के लिए ज्यादा कन्वीनियंट रहता है कि इससे टैक्स ना लेकर इस मिस्टर बी से टैक्स कलेक्ट किया जाए, उसके लिए गवर्नमेंट लाती है आरसीएम। यानी कि अब मिस्टर बी, मिस्टर ए अगर मिस्टर बी को उसी गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करता है और कहता है तू हमें ₹110 दे, मिस्टर बी कहता है कि मैं तुम्हें ₹110 दूंगा, 110 मैं तुम्हें पेमेंट करूंगा, 100 तुम रखोगे और 10 तो गवर्नमेंट के पास जाएगा ना, एक काम करो मैं तुम्हें वो ₹10 नहीं दूंगा, मैं डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करूंगा ₹10, हाँ या ना। अब देखो ना, ये रेसिपिएंट पे कर रहा है, कौन पे कर रहा है, रेसिपिएंट पे कर रहा है, डायरेक्ट गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहा है। पहले भी उसकी जेब से 110 निकल रहे थे, अब भी उसकी जेब से 110 ही निकलेंगे। पहले भी उसकी पॉकेट से 110 का आउटफ्लो हो रहा था, अभी भी उतना ही आउटफ्लो है। अंतर यह है कि 110 पहले वो ए को दे रहा था, अब वो 110 ए को न दे करके 100 ए को देगा और 10 डायरेक्ट गवर्नमेंट को देगा। दिस इज नोन एज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। कितने आश्चर्य की बात है कि रेसिपिएंट, मैं अगर किसी बुक शॉप पर जाऊं या मैं ये माउस बाय करने जाता हूं, मैंने माउस वाले से कहा भाई ये माउस तू दे रहा है और इसका टैक्स, तो उसने कहा ये तुझे ही देना है। मेरी बात समझे, यानी इस चीज पर जो गुड्स का रेसिपिएंट होगा, जो सर्विसेज का रेसिपिएंट होगा, वही टैक्स पे करेगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा, सर ये दोनों आपस में मिल बांट कर ये डिसाइड करेंगे क्या कि चल चल तू 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 जीएसटी इस बार फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पर दे देना, अगली बार मैं आरसीएम बेसिस पर दे दूंगा, ये क्या कोई गेम चल रहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। द थिंग्स आर क्लियर, द लॉ इज वेरी क्लियर रिगार्डिंग दिस वन मैटर। लॉ कहता है मैं जिस चीज के लिए मैं बोलूंगा आरसीएम, उसी चीज पर आरसीएम लगेगा। Both of you, buyer and seller, cannot decide that who one is going to make the payment of taxes. This is not up to you. This is not your option. This is the law. Law is very clear in this point कि supplier को tax देना है या recipient को tax देना है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें उन recipient के बारे में जानना पड़ेगा। Now we are needed to know all those recipient of goods or services which are needed to make the payment of taxes directly to the government by utilizing the section 9 subsection 3 or 9 subsection 4. 9 subsection 4 basically e-commerce के बारे में है, e-commerce जिसको eco भी कहते हैं, e-commerce के बारे में, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले अभी हम केवल और केवल section 9 subsection 3 के बारे में बात कर रहे हैं। ये RCM का system जो services का recipient होता है, या जो goods का recipient होता है, मैंने क्या बोला, मेरी बात फिर से समझें,
जो गुड्स का रेसिपिएंट होगा या सर्विसेज का रेसिपिएंट होगा, जिसको सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 ने बोला होगा कि आप आरसीएम के बेसिस पर टैक्सेस का पेमेंट करेंगे, वही लोग करेंगे, बाहरी लोग नहीं, बाहरी इन द सेंस इसके अलावा नहीं। यानी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं। हाँ, थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है चीज़ों को रिटेन रखना माइंड में, लेकिन ऐसा भी टफ नहीं है, बहुत आसान है। आपको केवल ये जानना है ये वो गुड्स की लिस्ट हैं जिनको आरसीएम पे जाना है, ये वो सर्विसेज की लिस्ट हैं जिनको आरसीएम पे जाना है, बात खत्म, बात खत्म। इसके अलावा सोचना ही नहीं है आपको। हाँ, कभी कभी आप थोड़ा डाउट में रहेंगे, मैंने एक वर्ड बोला, कभी कभी आप थोड़ा डाउट में रहेंगे कि सर सर्विसेज में ना कुछ चीजें एग्जेम्पशन में आती हैं, सर्विसेज में कुछ चीजें ये आरसीएम में आती हैं, सर हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। डू नॉट वरी अबाउट दिस, आई एम देयर ना, मैं आपको बताऊंगा। अभी तो फिलहाल आरसीएम पढ़ते हैं, जब हम एग्जेम्पशन, उसका हम एक एग्जाम्पल आज आपको दे देंगे एडवोकेट्स के सर्विसेज के बेसिस पर, कि देखिए ये एग्जेम्पशन में भी है, ये आरसीएम में भी है। अब इस केस का निपटारा कैसे किया जाए वो भी देखने की कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत, ताकि ये समझ में आए कि हम लोग को चीजों को देखना कैसे है। तो फिलहाल ये समझ में आया कि आरसीएम का मतलब रिवर्स चार्ज सिस्टम होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है, और यहां पर रेसिपिएंट ऑफ गुड्स और रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज शैल बी रिस्पॉन्सिबल और लायबल टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्सेस डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। दैट्स इट, दिस इज सो क्लियर। अच्छा सर, इसका मतलब एक लाइन की बात अगर आपसे पूछी जाए, नॉर्मली सेलर कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम बायर एंड पेज इट टू द गवर्नमेंट, व्हाइल इन सम केसेस बायर पे जीएसटी डायरेक्टली टू गवर्नमेंट, एंड दिस इज कॉल्ड आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर, अभी तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें जब हम आरसीएम को आगे पढ़ेंगे तो बहुत ही चीज वो दो चार पॉइंट आपको दिमाग में सेट रखनी पड़ेंगी, अगर नहीं रखेंगे तो फिर आगे की कंफ्यूजन होंगे। जो पहला है कि जीएसटी का आरसीएम, आरसीएम पर जो जीएसटी लगता है वो गुड्स पर भी हो सकता है और वो सर्विसेज पर भी हो सकता है। दूसरा, जो आरसीएम पे करेगा, मान लीजिए मैं रेसिपिएंट ऑफ गुड्स हूँ, मैं रेसिपिएंट ऑफ गुड्स हूं, मेरे ऊपर आरसीएम लगता है। मेरी बात ढंग से समझें, मैंने 1 लाख का सामान परचेज किया, मैंने 1 लाख का सामान परचेज किया, इस पर मेरा जीएसटी का जो रेट था, आ, 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 जो जीएसटी का रेट है वो मान लेते हैं आरसीएम पर 2 मिनट के लिए 10% है। तो ये बताइए, जो ये 10,000 टैक्स बना, पहले मैं यही टैक्स सप्लायर को देता था, अब मैं यही टैक्स गवर्नमेंट को डायरेक्ट दूंगा, हाँ या ना? अच्छा, ये जो मैं टैक्स दूंगा ना, इसके बारे में एक चीज ख्याल रखेंगे, ये आप आईटीसी के बेसिस पर पे नहीं कर सकते, आपको ये एक्चुअली टू बी पेड इन कैश, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ये पैसा निकलता है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये नई बला क्या है ईसीएल, जाए दो, थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि ईसीएल नाम की कोई चीज है। बस आप इतना याद रखें, जिनको मालूम है वो समझ जाएंगे, जिनको नहीं मालूम बस इतना याद रखें कि जो हम पे करेंगे टैक्सेस आरसीएम पर वो कैश में पेमेंट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए मैंने जब सामान खरीदा, मेरे बुक्स में ऑलरेडी पिछली बार जब सामान खरीदा था उस पर मेरा 50,000 का जीएसटी ऑलरेडी पेड है, ऑलरेडी इनपुट टैक्स पड़ा हुआ है, मेरे पास ऑलरेडी इनपुट टैक्स पड़ा हुआ है मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में। इस बार मैंने 1 लाख रुपए का सामान खरीदा और ऐसा सामान खरीदा जिस पर मुझे आरसीएम बेसिस पर जीएसटी देनी है 10,000। अब कोई कहेगा सर ऑलरेडी आपका पैसा गवर्नमेंट के पास पड़ा है, आप क्यों देंगे, आप एक काम करिए ना 40,000 का पेमेंट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई बहुत बड़ी दिक्कत है, आरसीएम का पेमेंट ना हमेशा कैश में होता है,
आप आईटीसी लेकर के टैक्स को एडजस्ट नहीं कर सकते। ये चीज आपको अपने माइंड में सेट करनी पड़ेगी। आरसीएम का पेमेंट हमेशा पहले पे करो। सर, इसका मतलब ये हो गया कि 50,000 का वो इनपुट टैक्स गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी पड़ा रह गया, उल्टा ऊपर से 10,000 का जीएसटी मैंने कैश में पेमेंट कर दिया। आप ये बोलना चाहते हैं हमसे कि 60,000 रुपए अब हमारे जीएसटी के रिकॉर्ड्स में एज अ इनपुट टैक्स पड़ा रहेगा। मेरी बात बिल्कुल, वर्ड्स क्लियर हैं? बिल्कुल समझने की कोशिश करें। अब तक आपके बुक्स में 50,000 का जीएसटी इनपुट टैक्स में दिख रहा था, अब 10,000 का कैश में जीएसटी पे करने के बाद आरसीएम का, अब आपका 60,000 का जीएसटी दिखने लगेगा आपकी बुक्स में रिसीवेबल या इनपुट टैक्स के नाम से। और इसका भी आप क्रेडिट बाद में, पहले पेमेंट करो फिर क्रेडिट लो। ओ, इसका भी तो पहले मैंने पेमेंट किया होगा किसी सप्लायर को और आज मैं इसकी आईटीसी लेने के लिए बोल रहा हूं। सेम इसी तरह अभी आप पहले पेमेंट कर दो गवर्नमेंट को, उसके बाद इसकी आईटीसी लेने की बात करना। मेरी बात समझें, मैंने कहा जो सामान मैंने खरीदा था फॉरवर्ड चार्ज पर, पहले मैंने उस पर टैक्स दिया, तभी तो मीन्स टैक्स दे दिया, तभी तो मैं अपने बुक्स में उसकी आईटीसी क्लेम करने जा रहा हूं। उसी तरह आरसीएम का भी पहले टैक्स दे दो गवर्नमेंट को कैश में, उसके बाद उसकी आईटीसी क्लेम करेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। ये है आपका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, द रेसिपियंट इज एलिजिबल फॉर आईटीसी। ओके, गॉट इट, गॉट इट। रेसिपियंट, ठीक है, इसको छोड़ देते। रेसिपियंट शुड बी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। अगर मैं नहीं भी बोलूंगा तो भी आपको ये मालूम है कि जो बंदा टैक्स देता है वो टैक्सेबल टेरिटरी में होना चाहिए। जो बंदा टैक्स दे रहा है वो टैक्सेबल टेरिटरी में होगा, तभी तो वो जीएसटी उसके ऊपर एप्लीकेबल होगी। नहीं भी लिखा रहता तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। अब एक बात और, अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। यस राहुल, मैंने आपको बता दिया वो 10,000 आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में शो करेगा। यस 100% डेफिनेटली इट विल शो, इट विल बी शोन बाय योर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर 100%। एक ने पूछा सर आरसीएम की एंट्री कैसे करती हैं? थोड़ी देर पहले आरसीएम समझ तो ले, आरसीएम की बला क्या है। अकाउंटिंग एंट्रीज के लिए पूरा अलग से एक सेशन चलेगा, पूरा एक सेशन चलेगा जिसमें हम लोग अकाउंटिंग एंट्रीज के बारे में बात करेंगे जीएसटी से रिलेटेड। फिलहाल देर इज नो थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज। सोचो, मतलब अगर मेरे ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल हो रहा है तो कोई थ्रेशोल्ड लिमिट है ही नहीं। जो 10 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख के थ्रेशोल्ड लिमिट है रजिस्ट्रेशन की। अब फिर कुछ लोग मुंह बना करके बैठ जाएंगे, कहेंगे सर हमको तो आपने पढ़ाया ही नहीं रजिस्ट्रेशन के लिमिट। अरे भाई आएगा, अभी किसी को नहीं पढ़ाया। जिनको मालूम है वो जान जाएंगे, जिनको नहीं मालूम वो थोड़ी देर के लिए शांत होकर के बैठ जाए। लेकिन हाँ, थ्रेशोल्ड लिमिट थोड़ा बहुत मैंने हिंट दिया हुआ है पहले ही। थ्रेशोल्ड लिमिट है रजिस्ट्रेशन के लिए 10 लाख, 20 लाख एंड 40 लैक्स। आप 20 लाख मानकर चलो, आप 40 लैक्स लेकर के चलो, चलो 40 लैक्स। तो इसके लिए कोई थ्रेशोल्ड लिमिट है ही नहीं। यानी अगर मेरे ऊपर आरसीएम लगेगा ना, फर्स्ट आई हैव टू गेट द रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी सिस्टम एंड आफ्टर दैट आई विल मेक द पेमेंट ऑफ टैक्सेस डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। यानी मुझे आरसीएम पर टैक्स देने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। क्या बात है। अच्छा, सेकंड, पेमेंट ऑफ टैक्सेस अंडर आरसीएम कैन नॉट बी मेड विदाउट यूटिल कैन बी मेड विद यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी एंड टू बी पेड इन कैश। बता दिया, नो पार्शियल रिवर्स चार्ज विल बी एप्लीकेबल। या तो सिस्टम सिस्टम इस तरह बना है, या तो आप पूरी तरह फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पर जाते हैं, पूरी तरह 100% आपके ऊपर फॉरवर्ड चार्ज लगता है, या आपके ऊपर पूरी तरह आरसीएम लगता है पर्टिकुलर किसी गुड्स या सर्विसेज पर। मैं फिर बोल रहा हूं, किसी गुड्स या सर्विसेज पर ऐसा नहीं होता कि चलो कुछ हिस्सा तुम दे दो फॉरवर्ड पर, कुछ हिस्सा मैं दे देता हूं आरसीएम बेसिस पर, ऐसा नहीं होता। नो पार्शियल रिवर्स चार्ज विल बी एप्लीकेबल अंडर जीएसटी, 100% टैक्स विल बी पेड बाय द रेसिपिएंट इफ आरसीएम अप्लाइज। बात समझ में आई? बिल्कुल ठीक है सर। मैंने पहले भी बताया कि कोई थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती यहां पर 10, 20 और 40 की। अब आते हैं, सुने जो अब लिस्ट आने वाली है उसके बारे में ढंग से सुने। सारी चीजें अब यही समझनी बाकी हैं।
हम जो बात करने जा रहे हैं आरसीएम, ये गुड्स पर भी एप्लीकेबल होता है और ये सर्विसेज पर भी एप्लीकेबल होता है। हम बात कर रहे हैं सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 की, आरसीएम अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 4, ये एप्लीकेबल होता है ई कॉमर्स ऑपरेटर पर। तो फिलहाल हम इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे, हम जो बात कर रहे हैं इसके बारे में कर रहे हैं, और फिलहाल हम इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे, हम सबसे मेजर फैक्टर जो सर्विसेज हैं अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 में, हम उनकी बात करने जा रहे हैं। पक्की बात है सर, सेकंड पॉइंट रिपीट कर दीजिए, फिर मैं बोलता हूं कि अगर मैं रेसिपिएंट हूं तो पहले मुझे आरसीएम पर टैक्स देना ही है, तो मैं पहले गवर्नमेंट को टैक्स दूंगा। सोचो मैंने आरसीएम पर टैक्स कलेक्ट, भाई जाहिर सी बात है मैं रेसिपिएंट हूं, मुझे गुड्स मिला, मुझे सर्विसेज मिली, इसका मतलब जिसने मुझे वो गुड्स और सर्विसेज दी वो मुझसे टैक्स लेता, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा उसको केवल सामान का पेमेंट करो, टैक्स डायरेक्ट हमको पेमेंट करो। तो जब मैं गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स पे कर दूंगा, उसके बाद हम उसकी ITC अवेल करेंगे। पहले मैं गवर्नमेंट को टैक्स डायरेक्ट पे कर दूंगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू, उसके बाद वो इनपुट टैक्स क्रेडिट की तरह हम अवेल कर पाएंगे। दैट्स इट, इसके अलावा आपको नहीं जानना। चलिए लिस्ट क्या है, सबसे पहली लिस्ट में पॉइंट नंबर 1, जानते हैं गवर्नमेंट ने बड़ी चालाकी की, गवर्नमेंट ने चालाकी क्या की और सही भी किया, चालाकी क्या की, उसने बिल्कुल सही काम किया। गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसने देखा कि जो GTA है ना, गुड्स ट्रांसपोर्ट्स एजेंसी, जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं ट्रक के थ्रू, दूसरे लोडर के थ्रू, तो इन लोगों का सिस्टम और बिजनेस पूरा अनऑर्गेनाइज्ड था। पूरे इंडिया में इनका सिस्टम अनऑर्गेनाइज्ड था। अनऑर्गेनाइज्ड होने का मतलब ये है कि पता ही नहीं चलता था किस ट्रक पे, किस लोडर पे किसका सामान कहाँ जा रहा है, मींस कुछ भी नहीं मालूम था। अब ब्लैक मार्केट हो रहा है, ब्लैक मार्केट आप जानते थे, एक पैरेलल मार्केट क्रिएट हो गया है, एक व्हाइट मनी का मार्केट, एक ब्लैक मनी का मार्केट, वो एकदम इकोनॉमी को खराब कर रहा था, अंदर ही अंदर दीमक की तरह खत्म कर रहा था। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि अब हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा फैक्टर है हमारा गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज, जो लोड करते हैं गुड्स को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ले लाने और ले जाने का, चलो उसको पिक करते हैं। गवर्नमेंट ने इनको कहा देखिए हम आपके ऊपर टैक्स लगाएंगे। अब एक बात बताओ, अगर किसी के ऊपर कह दिया जाए, आज तक तो कुछ सिस्टम नहीं था, अब उनको जब ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कन्वर्ट किया जाए तो किसी को भी आग लगेगी, तुरंत वो अपोज हो गए, नहीं 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 हम लोग टैक्स नहीं देंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा ठंड रखो ठंड, हमने कब कहा आपसे टैक्स लेने के लिए भाई। गवर्नमेंट ने क्या चालाकी की, गवर्नमेंट ने कहा हमने कब कहा आपसे टैक्स डायरेक्ट ले रहे हैं, अरे भाई आपका टैक्स आपको नहीं देना, आप तो सर्विस प्रोवाइडर हो ना, आप क्या हो, आप सर्विस प्रोवाइडर हो, आप सर्विस प्रोवाइडर हो, और अगर सर्विस प्रोवाइडर हो तो आपके ऊपर GST की लायबिलिटी आती है। अरे छोड़ो ना, हम आपको GST की लायबिलिटी नहीं दे रख रहे, क्यों इतने टेंशन में आ रहे हो, जो आपको सर्विस रेसिपिएंट है ना, जो सर्विस आपकी ले रहा है ना, जो सामान अपना इधर से उधर भेज रहा है ना, जो बिजनेसमैन है, हम उनके ऊपर GST लगाएंगे भाई RCM के बेसिस पर, आप क्यों टेंशन ले रहे हो। वो लोग बिल्कुल ठंडे हो गए, हाँ 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 अब हमें कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्स, वो किनारे हो गए। गवर्नमेंट ने चालाकी के साथ टैक्स तो लगा दिया लेकिन सर्विस रेसिपिएंट के ऊपर लगा दिया, पहली चीज। फिर दूसरी चीज, गवर्नमेंट ने ग्रेजुअली फिर पकड़ा और कहा हम आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं। गवर्नमेंट ने क्या कहा GTA को, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को, हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं एक दो साल बाद,
आपके ऊपर भी फॉरवर्ड चार्ज का टैक्स लगेगा। जब चीजें सारी की सारी एक्यूमुलेट हो गई, सिस्टमेटाइज्ड हो गई, तो गवर्नमेंट ने फिर जीटीए को डायरेक्ट पकड़ा, गवर्नमेंट गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को, उनको कहा कि अब आप फॉरवर्ड चार्ज पर भी टैक्स दे सकते हैं। ओ ओ, यानी कि जीटीए वाले दो चीजों पर टैक्स दे सकते हैं, फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पर भी टैक्स दे सकते हैं। वो रेसिपिएंट से पहले टैक्स कलेक्ट करेंगे, गवर्नमेंट को देंगे, दैट इज 12%, दैट इज 12%, 12%। और जीटीए जो टैक्स देगा गवर्नमेंट को, वो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेगा। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, वो भी खुश हो गए। दूसरी तरफ जो शुरू में आया था, जो रेसिपिएंट है, जो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहा है, वो बिजनेसमैन, मुझे अपना सामान जीटीए की सर्विसेज यूज करके यहाँ से कानपुर से दिल्ली भेजना है, तो मैं सर्विस रेसिपिएंट हूँ, मैं गुड्स भेज रहा हूँ, लेकिन उस जीटीए की सर्विस को मैं अवेल कर रहा हूँ। सर्विस मुझे कौन दे रहा है सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए? वो दे रहा है जीटीए। जीटीए के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, मैं गवर्नमेंट को डायरेक्ट पे करूंगा टैक्स, मैं रिस्पॉन्सिबल हूंगा टैक्स पे करने के लिए, ये याद रखेंगे, आरसीएम बेसिस पर। और जब मैं टैक्स पे करूंगा 5% के हिसाब से, आएगा ये सब चीजें देखेंगे, 5% के हिसाब से आरसीएम बेसिस पर, तो गवर्नमेंट को ये टैक्स सीधे सीधे मिल गया। आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा हम लोग देखेंगे, आईटीसी का फिलहाल यहां पर अभी लोचा नहीं है। ये गवर्नमेंट ने चालाकी की और गवर्नमेंट ने पैसा कलेक्ट कर लिया। पहले तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज्ड बनाया, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को ऑर्गेनाइज्ड बनाया इनडायरेक्टली, फिर उनको भी फॉरवर्ड चार्ज सिस्टम में डाल दिया। क्योंकि हम यहाँ आज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म की बात नहीं कर रहे, हम केवल रिवर्स सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो ढंग से सुने कि अगर कोई सोसाइटी जो रजिस्टर्ड है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई पर्सन जो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी में रजिस्टर्ड है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट या कोई पार्टनरशिप फर्म या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, किसको छोड़ा, सारे बिजनेसमैन को कवर कर लिया। जितने बिजनेसमैन होते हैं जिनका सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उन सबको पिक कर लिया, उन सबको पकड़ लिया और कहा कि अब आपको आरसीएम की सर्विसेज, जीटीए की सर्विसेज लेने पर आरसीएम के बेसिस पर टैक्स देना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ये वो आप लोगों की लिस्ट है, जो फैक्ट्री है, जो सोसाइटी है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो पार्टनरशिप फर्म है, जो सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी में रजिस्टर्ड है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट हो गई, ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो गया, ये सारे लोग जीटीए की सर्विसेज अगर अवेल करेंगे तो आरसीएम बेसिस पर टैक्स देंगे, हां या ना? तब जब जीटीए ये कब टैक्स देंगे आरसीएम पर? वो तब जब जीटीए इनसे 12% का टैक्स नहीं लेता। बात समझ में आई? और ये बाय रोड की बात हो रही है, मैं फिर बोलता हूँ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड की बात हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड की बात हो रही है, जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड की बात हो रही है। तो वो जीटीए अगर 12% का टैक्स ले लेता है, देन आरसीएम इज नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन अगर जीटीए 12% का टैक्स नहीं लेता है, तो रेसिपिएंट के लिए आरसीएम के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। इज इट क्लियर? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। अब आगे चलते हैं इसी में। नो आरसीएम कब नहीं लगेगा? भाई रेसिपिएंट के ऊपर जिम्मेदारी डाली गई, लेकिन जब रेसिपिएंट खुद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जब रेसिपिएंट खुद लोकल अथॉरिटी है, जब रेसिपिएंट खुद गवर्नमेंट एजेंसी है, तो कहा गया नहीं नहीं नहीं, इनके ऊपर हम आरसीएम नहीं लगाएंगे। जानते हैं ऐसा अच्छा, इनके ऊपर आरसीएम नहीं लगाएंगे। मैंने कहा गवर्नमेंट एजेंसी खुद गवर्नमेंट है, खुद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, खुद लोकल अथॉरिटी है, उनके ऊपर आरसीएम नहीं लगेगा। अगर उस गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर लोकल अथॉरिटी, अगर वो गवर्नमेंट एजेंसी ने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन केवल इसलिए करा कर रखा है कि वो सेक्शन 51 के हिसाब से टीडीएस देना चाहती है,
मैं फिर से आपको एक बार क्लियर कर दूं ये बात, गवर्नमेंट को माफी नहीं है, मैं फिर बोलता हूं, गवर्नमेंट आर नॉट आउटसाइड फ्रॉम दिस परव्यू, दे आर ऑल्सो नीडेड टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्सेस फर्स्ट, अगर वो नॉर्मल एसएससी की तरह रजिस्टर्ड हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट एजेंसी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड है, अपने आप को उसने सीजीएसटी एसजीएसटी में रजिस्ट्रेशन इसलिए करा कर रखा है, इसलिए करा कर रखा है ताकि वो टीडीएस के प्रोविजंस को फॉलो कर सके, ताकि वो टीडीएस के प्रोविजंस को फॉलो कर सके, तो ऐसी गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट को आरसीएम बेसिस पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है जीटीए की सर्विसेज अवेल करने पर। इसके अलावा जीटीए की सर्विसेज में कुछ भी नहीं बचा। मैं फिर से एक बार बोलता हूँ, समराइज वे में बोलता हूँ कि अगर आप जीटीए की सर्विसेज अवेल करने जा रहे हैं तो आपको रेसिपिएंट होने के कारण आपको खुद टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को जीएसटी का आरसीएम के बेसिस पर। आप फैक्ट्री हो सकते हैं, आप पार्टनरशिप फर्म हो सकते हैं, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी सोसाइटी कंपनी हो सकते हैं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो सकते हैं, कोई सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसका सामान एक जगह से दूसरी जगह जीटीए ले जा रहा है, तो उनको आरसीएम बेसिस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर जीटीए वाले ने 12% के हिसाब से टैक्स कलेक्ट नहीं किया है तो गवर्नमेंट को माफ किया गया है। अगर गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट एजेंसी ने, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने केवल जीएसटी में इसलिए रजिस्ट्रेशन करा रखा है ताकि वो टीडीएस के प्रोविजंस को फॉलो कर सके अंडर सेक्शन 51। सेक्शन 51 हम जब पढ़ेंगे तो उस समय समझ में आएगा किस तरह के प्रोविजंस बताए गए हैं जीएसटी में। इज इट क्लियर? बहुत ही सिंपल टॉपिक था हमारा, थोड़ा भेजा फ्राई करता है ये सब चीजें शुरू शुरू में, एक बार हैबिचुअल हो जाएंगे आप, प्रैक्टिस में आ जाएगी चीज, तो दिक्कत नहीं करेगा। अब आते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिविजुअल एडवोकेट्स इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट्स और फर्म ऑफ एडवोकेट्स, तीन तरह के एडवोकेट्स को बांटा गया है। गवर्नमेंट, मैंने क्या कहा, गवर्नमेंट बहुत चालाक है, मैंने क्या कहा, गवर्नमेंट बहुत चालाक है, गवर्नमेंट ने चालाकी की आरसीएम सिस्टम को ला करके। गवर्नमेंट ने कहा, पहले होता क्या था, पहले भी क्या, अभी भी, पहले भी लॉयर्स वगैरह को माफ़ किया गया, आई डोंट नो व्हाई व्हाई, जब सीए के ऊपर जीएसटी लग सकता है, सीएस के ऊपर लग सकता है, सीएमए के ऊपर लग सकता है, एक प्रोफेशनल के ऊपर लग सकता है, डॉक्टर्स के ऊपर लग सकता है, तो व्हाई लॉयर्स और एडवोकेट फर्म्स आर एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट, मैंने वर्ड यूज़ किया एग्जेम्प्ट, तो एग्जेम्पशन की जब कैटेगरी देखेंगे ना तो वहाँ भी आपको दिखाई देगा कि गवर्नमेंट कितनी बायस्ड है इस मामले में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब उनको बेनिफिट मिला है तो मिला है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि जो हमारे इंडिविजुअल एडवोकेट्स होते हैं ना, जो एडवोकेट फर्म होती है, जो हमारी एडवोकेट फर्म होती है और सीनियर एडवोकेट्स होते हैं, गवर्नमेंट ने कहा कि सीनियर एडवोकेट इंडिविजुअल भी हो सकते हैं या ये फर्म भी हो सकती है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम इन लोगों से डायरेक्ट टैक्स नहीं वसूल कर पाएंगे, और ये अगर अपनी सर्विसेज किसी बिजनेस एंटिटी को देते हैं, मेरी बात ढंग से समझें, अगर ये सर्विसेज अपनी किसी बिजनेस एंटिटी को देते हैं तो वो बिजनेस एंटिटी डायरेक्ट टैक्स पे करेगी गवर्नमेंट को। मान लीजिए किसी बंदे का घर में आपस में भाई भाई में लड़ाई हो गई, मान लो भाई में लड़ाई हो गई, रिश्तेदार में लड़ाई हो गई, पड़ोसी के साथ लड़ाई हो गई, दौड़े दौड़े वकील साहब के पास गया, वकील साहब मेरा केस देख लीजिए, वकील साहब ने कहा क्या हुआ, कहा उससे लड़ाई हो गई, क्या करते हो, सर कुछ नहीं ठेला चलाता हूँ, ठीक है मैं तुम्हें सर्विसेज दूंगा, मैं तुम्हें सर्विसेज दूंगा, लेकिन जाओ पहले अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी में कराओ, क्योंकि तुम्हें जीएसटी पे करना पड़ेगा आरसीएम बेसिस पर। अब वो सर पकड़ लेगा कि नहीं, किसको किसको आप जीएसटी, अब कोई गया है डाइवोर्स का केस देखने के लिए, मतलब अपना केस फाइल करने के लिए, पड़ोसी से लड़ाई है, किसी को चोट लगी है सर पे, सर फूट गया है उसका पड़ोसी के साथ,
तो वहां पर पहले उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराओगे, फिर उसके बाद कहोगे आओ हम तुम्हें सर्विसेज दे रहे हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर ये लोग किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस देते हैं तो उस केस में बात हो रही है। सर्विसेज सप्लाइड बाय एन इंडिविजुअल एडवोकेट, अगर कोई इंडिविजुअल एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट या एडवोकेट्स की फर्म अगर लीगल सर्विसेज दे रही है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अब आपके पास आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कभी कभी। अच्छा, दिल में ख्याल कैसे आता है? दिमाग में ख्याल आना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आया आज तक ये गाना। तो फिलहाल अगर कोई इंडिविजुअल है, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, अगर कोई सीनियर एडवोकेट है उसकी कोई फर्म है, अगर वो अपनी कोई सर्विसेज दे रहे हैं, लीगल सर्विसेज दे रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो जिस बिजनेस एंटिटी को वो सर्विसेज देंगे उस बिजनेस एंटिटी को डायरेक्टली टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। मेरी बात समझ में आई? उस बिजनेस एंटिटी को डायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। मेरी बात समझ में आई? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आई। आरसीएम की आईटीसी सेम मंथ ले सकते हैं या नेक्स्ट मंथ लेंगे? नेक्स्ट मंथ लीजिए, इस महीने तो आप पे करेंगे ना। फिलहाल जब आरसीएम आएगा तो उसके बारे में लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। असल में हो क्या रहा है कि आप लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी ला रहे हैं, जब ये सेशन खत्म होगा ऑल ऑफ यू आर विल बी गिवन आर जूम आईडी एंड पासवर्ड, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, डू नॉट वरी अबाउट दैट। आप क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, आरसीएम की क्रेडिट कैसे ले सकते हैं वो भी हम बता देंगे, ठीक है ना? लेकिन फिलहाल, और उसका बिल कैसे काटेंगे वो भी बता देंगे, इनवॉइस कैसे कटता है वो भी बता देंगे। आपने कैश पेमेंट कर दिया, क्या तुरंत उसकी क्रेडिट ले सकते हैं या नहीं? अभी मैंने आरसीएम का टैक्स पे किया, क्या हम अगले दिन उसकी क्रेडिट ले सकते हैं या नहीं, कैसे होगा देखते हैं। चलिए, फिलहाल मैंने क्या कहा, सर्विसेज सप्लाइड बाय एन इंडिविजुअल एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट्स और एडवोकेट फर्म टू एनी बिजनेस एंटिटी, तो वो बिजनेस एंटिटी को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अच्छा, नहीं सर, बिजनेस एंटिटी का मतलब यहाँ पर वो है, जरा ढंग से सुने, यहां पर बिजनेस एंटिटी का मतलब क्या है? शुड ऑल द बिजनेस एंटिटी दैट रिसीव लीगल सर्विसेज पे जीएसटी अंडर आरसीएम? अब एक क्वेश्चन ये आया जो मैंने अभी बताया, ये वाला पॉइंट, ये वाला कहता है नो, ओनली दोज बिजनेस एंटिटीज जिसका रजिस्ट्रेशन लायक टर्नओवर हो चुका है, यानी वो बिजनेस एंटिटी जिनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। अब कोई ठेले वाला है, मैंने एग्जाम्पल शुरुआत में ही दे दी, अगर कोई ठेले वाला है क्या वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा? अगर कोई गुमटी वाला है, कोई रेड़ी वाला है, पटरी वाला है, कोई नॉर्मल किराने की शॉप है, क्या वो अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने जाएगा? कहा ना, अगर उनकी रजिस्ट्रेशन की लिमिट क्रॉस हो चुकी है तो नॉर्मली यहां पर कहा गया ओनली दोज बिजनेस एंटिटी विद एन एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीडिंग ₹20 लाख, हाँ या ना, इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज लाइबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम। तो अगर कोई बिजनेस एंटिटी है जिसका प्रीसीडिंग ईयर में टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस कर गया था, देन यस दे आर नीडेड टू मेक द पेमेंट ऑफ जीएसटी ऑन आरसीएम बेसिस, दैट्स इट। तो सारी बिजनेस एंटिटी को जीएसटी में नहीं जाना आरसीएम बेसिस पर, सारी बिजनेस एंटिटी को नहीं जाना। लीगल सर्विस का मतलब क्या होता है? कोई भी सर्विस जो एडवाइस दी जाती है, कंसल्टेंसी और असिस्टेंस दी जाती है किसी भी तरीके से, चाहे कोर्ट में, चाहे ट्रिब्यूनल में, चाहे रिप्रेजेंटेशन के तौर पे, चाहे एडवाइस दे करके, कंसल्टेंसी देकर, वो सारी चीज़ें शामिल होंगी। अब आपके दिमाग में एक ख्याल आएगा, दिल में ख्याल नहीं आएगा, दिमाग में ख्याल आएगा। वो दिमाग में क्या ख्याल आएगा कि सर एक सीए है वो भी तो लीगल कंसल्टेंसी देता है या लीगल सर्विसेज दे रहा है। एक बंदा लॉयर के पास गया, लॉयर के पास गया, उससे पूछा उसने, मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराऊं ना कराऊं कोई भी केस हो, वही बंदा अगर एक सीए के पास जाता है और सेम क्वेश्चन पूछता है, नाउ बोथ ऑफ दीज टू पर्सन्स आर गिविंग द सेम सर्विसेज टू द सेम क्लाइंट, बट इन फर्स्ट केस फॉरवर्ड चार्ज सिस्टम शैल अप्लाई, वाइल इन द सेकेंड केस आरसीएम शैल अप्लाई।
है ना थोड़ी टेंशन, आरसीएम अप्लाई होगा, है ना थोड़ी टेंशन। हाँ, तो यहां पर ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। आप सीए को ये नहीं कह सकते कि वो लॉयर है या वो लीगल सर्विसेज दे रहा है इस तरह से। तो यहां पर केवल एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट और एडवोकेट फर्म को बोला गया है, उसके बाहर नहीं बोला गया। क्लियर हुआ? ये पॉइंट जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि आपको बड़ा कंफ्यूजन होता होगा जब आप एक चैप्टर और पढ़ेंगे एग्जेम्पशंस, तो वहां पर एग्जेम्पशन में पढ़ेंगे जो हमारे लीगल सर्विसेज है ना वो एग्जेम्प्ट है। एडवोकेट अगर लीगल सर्विसेज दे रहे हैं तो एग्जेम्प्ट है। मेरी बात ढंग से समझे, अगर लीगल सर्विसेज एडवोकेट्स दे रहे हैं तो उन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई भी एडवोकेट ऐसी सर्विसेज दे रहा है जो 100% आरसीएम में आता है, तो जाहिर सी बात है एडवोकेट के ऊपर तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी आएगी ही नहीं, वो सर्विस रेसिपिएंट के ऊपर आएगी। तो उस केस में लीगल सर्विसेज को एग्जेम्प्ट किया गया है। जब आप एग्जेम्प्ट चैप्टर पढ़ेंगे, एग्जेम्पशन चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहां पर ये चीज देखने को मिलेगी। लेकिन सारी चीजें एग्जेम्प्ट नहीं होंगी। यहां पर आपके स्टडी के लिए, रेफरेंस के लिए दिया हुआ है, देखिए टैक्सेबल भी है। तो फिलहाल मैं यहां नहीं जा रहा हूं, मैंने केवल एक आपको हिंट दिया है कि कौन सी चीजें टैक्सेबल होंगी आपके रेफरेंस के पर्पजेस से। ऑल दीज थिंग्स विल बी डिस्कस लेटर ऑन एट द टाइम ऑफ डूइंग द स्टडी ऑफ योर एग्जेम्पशन टॉपिक। एंड एग्जेम्पशन टॉपिक में जब मैं आपको जीटीए पढ़ाऊंगा, एग्जेम्पशन टॉपिक में जब मैं आपको लीगल सर्विसेज पढ़ाऊंगा, तो उस समय ये चीज़ फिर से आएगी आपके सामने। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। दो चीजें मैंने अभी तक बताई आपको, पहला गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, दूसरा एडवोकेसी या लीगल सर्विसेज। तीसरा है आपका आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विसेज, जिस तरह एडवोकेसी की सर्विसेज हैं उसी तरह सर्विसेज सप्लाइड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू अ बिजनेस एंटिटी, बात खत्म। अगर कोई आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, आपने आईटीएटी वगैरह का नाम सुना होगा, तो जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं वो एक कोर्ट की तरह काम करते हैं, उनके पास सारे पावर्स होते हैं। तो जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होता है, अगर वो बिजनेस एंटिटी को कोई सर्विस दे रहा है, तो बिजनेस एंटिटी को जीएसटी पे करना पड़ेगा जो सर्विस रेसिपिएंट है। तीन चीजें मैंने आपको बताई, पहला बताया जीटीए की सर्विसेज, दूसरी मैंने बताई एडवोकेसी वाली, और तीसरी मैंने बताई आपको आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। फोर्थ है आपका, अगर कोई सर्विस प्रोवाइड की जाती है स्पॉन्सरशिप के थ्रू टू एनी बॉडी, कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। अगर कोई स्पॉन्सरशिप दी जाती है किसी बॉडी, कॉर्पोरेट को या पार्टनरशिप फर्म को, तो सर्विसेज देने वाला कोई और, रेसिपिएंट कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट या फिर पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट, एनी कंपनी आप कह सकते हैं, यू कैन से कंपनी, अगर कोई कंपनी या पार्टनरशिप फर्म को कोई स्पॉन्सरशिप करता है, अगर स्पॉन्सरशिप देता है, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म आरसीएम बेसिस पर टैक्स देंगे, न्यूमेरिकल आएगा। मैंने चार चीजें बताई, पहला फर्स्ट जीटीए की सर्विसेज, एडवोकेसी, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, और मैंने नेक्स्ट बताया अभी अभी स्पॉन्सरशिप। आते हैं दो पॉइंट इसी के कवर होंगे, 5 एंड 5A। मुझे आपको ये दो ही पॉइंट और बताने हैं आज के इस सेशन में। इसके आगे आपके 5B, 5C, 6 से लेकर कई सारे हैं, नेक्स्ट सेशन में ये सारी सर्विसेज कवर हो जाएंगी, पूरी की पूरी सर्विसेज हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे, टेंशन ना लेंगे। कहता क्या है, ये दो चीज़ें बहुत आराम से सुनेंगे आप, बिल्कुल इत्मीनान से, कोई टेंशन नहीं है। ये दो चीज़ों में कन्फ्यूज़न होता है, और मैंने वो कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैंने यहाँ लिख भी दिया है गो टू एंट्री नंबर 5A। तो इसके बाद हम लोग 5A, चलो पहले 5A ही देख लेते हैं, पहले 5A देख लेते हैं, वो झंझट गर्म करते हैं। मैंने कहा अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट है, अगर कोई यूनियन टेरिटरी है या कोई लोकल अथॉरिटी है, यानी बेसिकली देखिए तो गवर्नमेंट की बात हो रही है, अगर ये सर्विसेज देते हैं, अगर ये सर्विसेज देते हैं अपनी प्रॉपर्टी किसी को लेट आउट करके, बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी टू अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी। अगर गवर्नमेंट ने, आपने देखा होगा गवर्नमेंट के बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं, गवर्नमेंट इनको लेट आउट करती है,
और उनसे किराया लेती है। अगर ये बिल्डिंग्स लेट आउट की जाती हैं किसी ऐसे पर्सन को जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो ऐसा पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है उस रेंट पर खुद टैक्स गवर्नमेंट को आरसीएम के बेसिस पर देगा। बहुत ही सिंपल है। मैंने कहा, मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास गया, मैंने कहा ये बिल्डिंग गवर्नमेंट की है जी, लोकल अथॉरिटी की है, हाँ, तो इसमें कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स खाली है, मैं इसमें बिजनेस करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरी डिटेल्स ली, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ। अब जो भी मैं रेंट दूंगा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को मैं टैक्स नहीं दूंगा जीएसटी का, मैं जीएसटी डायरेक्ट गवर्नमेंट को दूंगा, जीएसटी डिपार्टमेंट को दूंगा आरसीएम के बेसिस पर। ये वही है। तो अगर इमोबल प्रॉपर्टी लेट आउट की जाती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा किसी बिजनेस एंटिटी को, या कह सकते हैं कोई जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन को, तो वो रजिस्टर्ड पर्सन ही लायबल होगा आरसीएम बेसिस पर टैक्स देने के लिए गवर्नमेंट को डायरेक्टली। बात खत्म। अब इस पॉइंट को छोड़कर अब मैं बाकी बात कर रहा हूँ। कहता है कि अगर कोई सर्विसेज सप्लाई करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी किसी बिजनेस एंटिटी को, किसी बिजनेस एंटिटी को, यहां पर जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन को, किसी भी बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज देती है, जिसमें 5A को शामिल मत करना, हाँ या, तो वो बिजनेस एंटिटी ही उन सर्विसेज पर टैक्स देगी। सर आपने ना बहुत ही समरी में बता दिया, अब सुने। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये सर्विस प्रोवाइडर है कौन? गवर्नमेंट, ठीक, और सर्विस रेसिपिएंट है बिजनेस एंटिटी। सर्विस रेसिपिएंट है जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन, तो कहा गया कि यहां पर आरसीएम लग जाएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी के लेट आउट करने पर। दैट्स इट, हो गया। अच्छा, ये कहता है कि अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी के लेट आउट पर, अदर देन लेट आउट ऑफ, हमको सिस्टम रीस्टार्ट करने की लोड है इसको, अदर देन लेट आउट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहां पर बिजनेस एंटिटी की बात की गई है और यहां पर लेट आउट के केस में रजिस्टर्ड पर्सन की बात की गई है। दोनों में आरसीएम लगेगा, दोनों में आरसीएम लगेगा, दोनों में आरसीएम लगेगा, दोनों में आरसीएम लगेगा। मैं फिर बोलता हूँ, इसमें शामिल नहीं है, तो पहले तो ये शामिल नहीं है, इसमें ये शामिल नहीं है, दोनों अलग कर दिया गया। दूसरा, क्या शामिल और नहीं है? जरा ढंग से सुने, कुछ और चीजों को हटाया गया है। गवर्नमेंट वो सर्विसेज दे रही है, गवर्नमेंट वो किसी को भी देती है। आप एक बात बताओ, आप जब स्पीड पोस्ट में जाते हो, पोस्टल डिपार्टमेंट में जाते हो, डाकघर में जाते हो, वहां स्पीड पोस्ट की सर्विसेज लेते हो, चलिए पोस्टल सर्विसेज लेते हो, क्या लेते हो? पोस्टल सर्विसेज लेते हो, एक्सप्रेस पार्सल हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, ये सारी सर्विसेज आप लेते हो। इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो, इनकी बात नहीं हो रही, इनकी बात नहीं हो रही, एक्सक्लूडिंग, इनकी बात नहीं हो रही, गवर्नमेंट के यानी पोस्टल डिपार्टमेंट की सर्विसेज को किनारे कर दो। गवर्नमेंट अगर सर्विसेज देती है एयरक्राफ्ट वेसल की, एयरक्राफ्ट और वेसल की सर्विसेज देती है, उनको भी खत्म करो। सर आप खत्म क्यों कर रहे हैं इनको? क्यों नहीं उस पर भी लग रहा आरसीएम के बेसिस पर? अरे 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 अरे, मैंने ये नहीं कहा ये माफ है, मैंने ये नहीं कहा कि माफ है, इस पर फॉरवर्ड चार्ज सिस्टम लगता है। क्या लगता है? आपको अगर एक सिटी से दूसरी जगह जाना हो, दूसरे सिटी में एरोप्लेन के थ्रू, तो आप जेट एयरवेज से जाएंगे, इंडियन एयरलाइन से जाएंगे, किसी से भी जाएंगे, सहारा से जाएंगे, किसी से भी जाएंगे, आपको फॉरवर्ड चार्ज पर ही टैक्स देना पड़ेगा। बात खत्म।
आप प्राइवेट कोरियर एजेंसी में जाते हैं, वो भी फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पर टैक्स लेते हैं। गवर्नमेंट की कोरियर एजेंसी है स्पीड पोस्ट डिपार्टमेंट, वो भी आपसे फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पर ही टैक्स लेती है, तो यहाँ पर आरसीएम नहीं लगेगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर, मैं ये आपको बता चुका हूँ जीटीए में, ठीक है ना, ये मैंने आपको बता दिया है जीटीए। तो जीटीए हो गया ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, स्पीड पोस्ट हो गया पार्सल या इंश्योरेंस का हो गया, वेसल और एयरक्राफ्ट का हो गया, इसको छोड़ दें तो बाकी सब पर आरसीएम बेसिस पर बिजनेस एंटिटी को ही टैक्स देना पड़ेगा। एक नॉर्मल बंदा जो कोई भी हो स्पीड पोस्ट करने जाता है, गवर्नमेंट चालाकी से उससे स्पीड पोस्ट पर भी टैक्स ले लेती है। वो ये नहीं कहेगी आप बिजनेसमैन हैं क्या, अच्छा आप बिजनेसमैन हैं आप टैक्स दे देंगे जाइए, ऐसा नहीं है। वहां कोई भी जाएगा 50 रुपए 100 रुपए 200 रुपए का स्पीड पोस्ट करेगा, उससे गवर्नमेंट टैक्स ले लेती है भाई, फॉरवर्ड चार्ज के बेसिस पर। सोचना क्या है, तो जब फॉरवर्ड चार्ज के बेसिस पर स्पीड पोस्ट एयरक्राफ्ट का, वेसल का या फिर ट्रांसपोर्टेशन गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का सिस्टम अलग से बना हुआ है, इसीलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर उसको अलग कर दिया। इन तीनों का सिस्टम अलग बना हुआ है, इसीलिए गवर्नमेंट ने उसको आरसीएम से हटाया। तो स्पीड पोस्ट, पोस्टल सर्विसेज, दूसरा एयरक्राफ्ट और वेसल, और तीसरा आपका जीटीए, इनका सिस्टम भले ही गवर्नमेंट ये सर्विसेज दे रही है, किसी को भी दे रही है, उसका सिस्टम अलग से बना हुआ है, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको अलग कर दिया। कहा अगर बिजनेस एंटिटी को इसके अलावा कोई सर्विसेज देंगे आरसीएम पर लगेगा, अगर प्रॉपर्टी लेट आउट करेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी तो जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स देना पड़ेगा आरसीएम पर। दैट्स इट, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो मैंने आपको 5A तक बताया, पहला बताया जीटीए की सर्विसेज, दूसरी बताई एडवोकेसी, तीसरी बताई आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, फोर्थ बताया कंपनी या पार्टनरशिप फॉर्म को स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज, उसके बाद बताया बिजनेस एंटिटी को गवर्नमेंट अगर कोई सर्विसेज देती है तो, जिसमें तीन चीज़ों को हटाया गया है। उसके बाद मैंने कहा कि गवर्नमेंट कोई सर्विसेज देती है अपनी इमोबल प्रॉपर्टी को लेट आउट करने के लिए किसी जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन को, तो जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी लायबल टू बी पे टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्सेस ऑन आरसीएम बेसिस। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बच्चे ने कहा सर कोई एग्जाम्पल तो दो। मंजीत जी, मैं अभी आपको आप लोगों को देता हूँ क्या, लीजिए जूम का आईडी और पासवर्ड। पहले तो ये दिमाग में रखिए, दैट्स इट, ये वो सर्विसेज हैं जिस पर आरसीएम लगता है। अभी सर्विसेज की पूरी लिस्ट नहीं खत्म हुई, अभी तो लिस्ट लंबी है। ऑथर आएगा, म्यूजिशियन आएगा, कॉपीराइट आएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आएगा, डीएसए आएगा, बीबीसी आएगा, बीएफ आएगा, सब आएंगे। ये सारी चीज़ें अभी चलनी बाकी हैं और मज़े आएंगे इसमें। तो लिस्ट को दिमाग में देखिए, जीएसटी टफ इसलिए नहीं है कि प्रोविज़न टफ है, जीएसटी टफ इसलिए हो जाता है कि प्रोविज़न को रिटेन करना टेंशन वाला काम हो जाता है, ठीक है ना। तो जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें आपके दिमाग में रिटेन रहेंगी। दैट्स इट। तो अभी मैं आपको जूम आईडी और पासवर्ड दे रहा हूँ, इन केस ऑफ एनी डाउट टू एनी वन ऑफ यू यू कैन आस्क। और ज़्यादा देर इंतज़ार ना कराया करें हमको। दैट्स इट। प्रतीक सिंह ने कहा सर इनडायरेक्टली गवर्नमेंट टेकिंग टैक्स फ्रॉम रेसिपिएंट। यस, वैसे भी टैक्स गवर्नमेंट लेती, सर्विस प्रोवाइडर से लेती, गुड सप्लायर से लेती, अब वो डायरेक्ट ले रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मंजीत, यस यू कैन आस्क द क्वेश्चन, आई हैव गिवन द जूम आईडी एंड पासवर्ड। सर कोई एग्जाम्पल तो दो। बिल्कुल एग्जाम्पल देंगे, क्यों टेंशन ले, ढेर सारे क्वेश्चन चलेंगे। होता क्या है, पहले तो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। अगर मैं आपको ये 6-7 लिस्ट भी ना बताऊं, एग्जाम्पल देना शुरू कर दूं, तो आपको लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं, हाँ दिन खराब चला गया। तो पहले चीज़ों को एक लेवल तक लाएंगे, चीज़ों को समझा लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स वगैरह चलेंगे।
थैंक यू बच्चों, आई एम वेटिंग फॉर योर मीन्स इनविटेशन। मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार बैठा हूँ। जल्दी से जल्दी आप